निमृत और शिव के रोमांस पर आखिरकार बाहर आके निमृत के पापा ने क्या कुछ बड़ा बयान दिया है, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा पोस्ट। जैसे कि आपने देखा कि निमृत के पापा घर के अंदर गए थे और उन्होंने कोशिश की कि सुम्बुल निमृत को अच्छी तरीके से समझा सके कि वो प्रियंका से दोस्ती कर ले और ये जो नफरत चल रही है इसको खत्म कर ले, अकेले खेले। वैसे तो आज के एपिसोड में बताया जाएगा ये किस तरीके से निमृत समझी है या नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि बाहर आने के बाद निमृत के पापा ने इंटरव्यूज दिया और इंटरव्यूज में वो कह रहे कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खेल रही है और वो फिनाले तक पहुंचेगी। फिर उनसे प्रियंका के बारे में कि क्या प्रियंका और निमृत की दोस्ती होगी, तो वो कहते हैं कि वैसे तो दोस्ती हो जानी चाहिए क्योंकि दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए, और निमृत वैसी है कि फ्रेंड्स बनाकर रखती हैं। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन किसी और का, यानी प्रियंका का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, तो किसी ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निमृत जरूर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगी आगे, और होगी, लेकिन किसी और को अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ना पड़ेगा, वो ये कहते हैं। फिर उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि निमृत और शिव ठाकरे की रोमांस की रिपोर्ट को लेकर जो रूमर्स हैं उसको लेकर, तो कहते हैं कि ये सिर्फ रिपोर्ट ही है और ये रिपोर्ट और रूमर्स जो हैं वो मैंने ये भी बेबुनियाद है। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये बहुत जल्दी है सब कुछ बोलना, सारी चीज़ें बहुत जल्दी है, क्योंकि जो फ्रेंडशिप होती है वो सब देख रहे हैं कि फ्रेंडशिप सबको दिख रहा है, और 100 डेज हो गए हैं लेकिन अभी तक लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं कि जो रिश्ता है घर के अंदर, जो दो लोगों के बीच में रिश्ता है वो क्या है, तो वो फ्रेंडशिप है या फिर रिलेशनशिप है, ये बहुत जल्दी है बोलना। फिर वो आगे कहते हैं कि जो और रिश्ता है वो कभी कभी दिखता कुछ और है लेकिन है दोस्ती, अब देखेंगे आगे जाके क्या होता है। तो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि ये फ्रेंडशिप है, और क्लियर नहीं हो पाते हैं कि बाहर ऑडियंस क्लियर नहीं हो पाती है कि ये दोस्ती चल रही है या फिर कुछ और है, क्योंकि जो निमृत के पापा है वो दोनों को एज अ दोस्त ही देखते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों के रोमांस पर अपना बयान दिया है कि ये सब रूमर्स है, जो भी रोमांस की बातें चल रही है, रिलेशनशिप की बातें चल रही है, ये सिर्फ रोमांस, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या आप भी एग्री करते हैं निमृत के पापा की इन बातों से, और जो निमृत और शिव की बॉन्डिंग है वो आपको दोस्ती लगती है या फिर दोस्ती से ज्यादा, ये भी हमें बता दीजिए अपनी राय, और देखते रहिए फीफा फूस इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।